So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th mathematics, coordinate geometry. In previous video we have studied about slope. स्लोप के बारे में पढ़े थे, इसको एम बोलते हैं, लाइन कितना एंगल बनाता है इसी को टेन थीटा बोलते हैं, और दो लाइन पैरेलल स्लोप्स आर क्या होता है, सेम होता है, दो लाइन पैरेलल स्लोप्स आर सेम, पिछला वीडियो देखेंगे डिस्कस किए होंगे, दो लाइन परपेंडिकुलर अगर रहेगा तो दोनों का स्लोप क्या होता है, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब एम टू निकालना है ना तो एम वन का उल्टा कर दिए, साइन भी चेंज कर दीजिए, M2 इक्वल टू M1 का उल्टा, दो लाइन सेम पैरेलल स्लोप्स आर सेम, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू दो पॉइंट से पास कर रहा है, थीटा से निकाल ही सकते हैं, और दो पॉइंट से स्लोप निकालना है तो y को माइनस करिए और x को माइनस करिए, बस इतना ही सा टॉपिक है स्लोप के बारे में, दो लाइन पैरेलल स्लोप्स आर सेम, दो लाइन परपेंडिकुलर स्लोप्स का प्रोडक्ट इज माइनस वन, और थीटा के सहायता से भी निकाल सकते हैं, चार पांच क्वेश्चन आज का वीडियो में दिखा रहे हैं स्लोप से संबंधित क्वेश्चन, एकदम ईजी आता है, नोट कीजिए इस बात को। चलिए कुछ क्वेश्चन में आते हैं सीखने के लिए, सब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थीटा जीरो डिग्री दिया हुआ है, स्लोप निकालने बोल दिया, कल का पिछला वीडियो में देखेंगे टेन का जीरो डिग्री क्या हुआ, जीरो आंसर, स्लोप इज जीरो, रूट थ्री दे दिया है और बड़ा स्लोप निकाल दिए, तो क्या आते हैं स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा को ही बोलते हैं रूट थ्री, तो थीटा इक्वल टू कितना था, रूट थ्री होने से पिछला वीडियो में लिखे भी हैं कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, क्लियर है। चलिए दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालते हैं स्लोप निकालना, दो लाइन से एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है स्लोप निकालना है तो y को माइनस कीजिए, टू माइनस ऊपर में y न्यूमिनेटर में और नीचे में x, वन माइनस माइनस टू फाइव बाई क्या आया थ्री, क्लियर है, वाई को माइनस कीजिए ऊपर में नीचे में एक्स को माइनस कीजिए स्लोप निकल जाता है, पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो समझ में आएगा, एक लाइन ए बी का पॉइंट दिया हुआ है उसके पैरेलल लाइन का एम निकालना है तो सेम होगा, एम ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होगा एम ऑफ ए बी, सेम होगा कि नहीं होगा, दो लाइन पैरेलल स्लोप्स आर सेम, दो लाइन पैरेलल स्लोप्स आर सेम, बोलिए कितना होगा, एम ऑफ एल इक्वल टू एम ऑफ बी, सिक्स में फोर गया टू, वाई को माइनस कर दिए एक्स को माइनस माइनस किया प्लस टू, दोनों का स्लोप सेम होगा बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, अंडरस्टूड। फाइव का फर्स्ट, ए लाइन इज गिवन ए बी, उस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे तो देखिए यूज करके दिखा रहे हैं, एम ऑफ ए बी निकाल दीजिए, पॉइंट पता है, फोर में फाइव गया माइनस माइनस प्लस फाइव हो गया नाइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया टू में जीरो गया टू नाइन बाई टू, तो एम ऑफ परपेंडिकुलर लाइन उल्टा कर दीजिए टू बाई नाइन, प्लस है तो माइनस एक नंबर मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप उसका उल्टा होता है, मतलब नाइन बाई टू है तो टू बाई नाइन प्लस रहेगा तो माइनस, स्लोप्स आर पैरेलल लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर सेम। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, ए और बी से कोई लाइन पास कर रहा है और एक लाइन पैरेलल है मान ली सी और डी से, तो क्वेश्चन है तीन को पॉइंट पता है, चौथा पॉइंट निकालना है, डी पॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं एम ऑफ सी डी इज इक्वल टू एम ऑफ ए बी होगा, क्यों, लाइन्स आर क्या है पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर सेम, लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर सेम, तो निकालिए एम ऑफ सी डी कैसे निकालेंगे, ए में फाइव गया वाई को माइनस कर दिए नीचे में एक्स को माइनस प्लस हो जाएगा फोर और वन फाइव हो जाएगा, एम ऑफ ए बी कितना का माइनस वन में टू गया माइनस थ्री और माइनस थ्री में जीरो गया माइनस थ्री, ए माइनस फाइव बाई फाइव इक्वल टू वन, ए माइनस फाइव इक्वल टू फाइव, ए इक्वल टू टेन, क्लियर है, यानी डी पॉइंट क्या था हम लोग के पास, फोर ए जो था ना एक्चुअली में वो क्या है फोर टेन होना चाहिए, क्लियर है, ए का वैल्यू टेन, ऐसे निकालने आ सकता है, अंडरस्टूड। स्लोप कैसे निकालते हैं पैरेलल परपेंडिकुलर, एक दो क्वेश्चन और देखिए, वन मोर क्वेश्चन, ए लाइन इज पासिंग थ्रू ए बी माइनस फोर माइनस टू टू थ्री, ए परपेंडिकुलर लाइन इज देयर सी डी, सी का पॉइंट है ए फाइव और टू माइनस वन, ए का वैल्यू निकाल दीजिए, लाइन्स एल वन एंड एल टू आर, एल वन एंड एल टू आर परपेंडिकुलर, एल वन एंड एल टू आर परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ सी डी, उल्टा होता है यानी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन होता है, क्लियर है, इसी से निकल जाएगा, चाहे एम ऑफ सी डी उल्टा लिख सकते हैं वन ऑफ ए बी का, पहले हम लोग एम ऑफ ए बी अलग से निकाल के भी बना सकते हैं, एम ऑफ ए बी का वैल्यू क्या होगा
x y को माइनस किए, 3 में प्लस 2 गया 5, y का वैल्यू माइनस कर दिए 2 में 4 गया 6, एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या निकाल दिए 5/6, तो एम ऑफ सी डी का वैल्यू क्या होगा, एम ऑफ सी डी का वैल्यू क्या होगा बोलिए, 6/5 होगा नहीं होगा, प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा कि नहीं होगा, 3 में 2 गया 5 है, 2 में 4 गया प्लस 4 6 हो गया, एम ऑफ सी डी उल्टा होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर होने से क्या होता है एम टू इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ एम वन, उल्टा होता है विथ नेगेटिव साइन। एम ऑफ सी डी आप कैसे निकालेंगे, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं माइनस 1 में 5 गया माइनस 6, 2 क्या होगा माइनस ए, को कंपेयर कर सकते हैं किससे, है ना, इसे माइनस करके निकाल सकते थे, इसका उल्टा भी बोल सकते थे, अब हम लोग ए निकल जाएगा, क्रॉस करिए माइनस काट दीजिए, 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, 5 इक्वल टू 2 माइनस ए, ए का इधर आ गया 2 माइनस 5, ए का वैल्यू क्या निकला माइनस 3, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का रिलेशन बता दिए, नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में है, पी क्यू आर द 3 पॉइंट्स ए कोमा बी प्लस सी, बी कोमा सी प्लस ए, सी कोमा ए प्लस बी, प्रूव करना है पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, पी क्यू आर आर इन क्या हो गया सेम लाइन में है, तो एम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा एम ऑफ क्या होगा क्यू आर, ये प्रूव कर देंगे, या एम ऑफ पी आर भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा एम ऑफ पी क्यू इक्वल टू एम ऑफ क्यू आर अगर प्रूव कर देंगे तो स्लोप सेम होगा ना, दोनों सेम निकल बनाएगा ना, स्लोप्स आर सेम, जिसे पर्ल का होता है उसे इसका भी होता है, तो चलिए बना के दिखाते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, देखते हैं एम ऑफ पी क्यू क्या होगा, एम ऑफ पी क्यू, चलिए ये वाई का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू माइनस कीजिए, सी प्लस ए, दो पॉइंट में स्लोप निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, वाई को माइनस कर दिए नीचे में, एक्स को माइनस कर दिए ऊपर में, क्या कटेगा सी सी कट जाएगा, ए माइनस बी बाई क्या हो गया बी माइनस ए, काट भी सकते माइनस कॉमन कर लीजिए ऊपर में, बी माइनस ए बाई बी माइनस ए कट के क्या हो गया माइनस वन। उसी प्रकार अगर एम ऑफ क्यू आर भी अगर सेम आ जाएगा तो क्या होगा पी क्यू आर इन द सेम लाइन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, बोले क्यू आर, वाई को माइनस कीजिए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए बाई सी माइनस बी, ए ए कट जाएगा प्लस ए है माइनस ए है, बी माइनस सी बाई सी माइनस बी, माइनस कॉमन कर लीजिए सी माइनस बी ऊपर हो जाएगा, उल्टा कर दिए माइनस कॉमन करके माइनस वन, तो एम ऑफ पी क्यू का वैल्यू एम ऑफ क्यू आर का वैल्यू सेम आया तो क्या बोलेंगे, अगर सेम आएगा तो बोलेंगे पी क्यू आर आर कोलिनियर, पैरेलल टाइप का ही चीज है, क्लियर है, दोनों एक ही लाइन, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेगा तो स्लोप सेम रहेगा, ढाल देखिए तीनों कई सभी पॉइंट का ढाल सेम है, स्लोप सेम है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इन दिस क्वेश्चन ए ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन हैविंग थ्री साइड्स, और इक्विलेटरल ट्राइंगल हम जानते हैं एंगल 60 डिग्री होता है, स्लोप ऑफ ऑल साइड निकालना है, तो देखिए एक्स के पैरेलल है, सबसे पहले देखिए ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें कोई ढाल मतलब स्लोप नहीं है, थीटा जीरो डिग्री, तो इसका तो एम निकल गया, फर्स्ट क्वेश्चन एम ऑफ ए बी निकल गया, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, जीरो डिग्री कितना होता है टेन का जीरो डिग्री क्या होता है जीरो, यानी एम ऑफ ए बी जीरो होगा क्योंकि इसका तो कोई झुकाव ही नहीं है, के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो। सेकेंड एम ऑफ ए सी, एम ऑफ ए सी देखिए 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं, ये 60 ये भी 60 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बोलिए क्या होगा टेन का क्या होगा 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा रूट थ्री, एम ऑफ ए सी टेन 60 डिग्री इक्वल टू रूट थ्री। थर्ड क्वेश्चन तो देखिए ये 60 है तो ये भी 60 होगा, लेकिन हमको उधर का लेना पड़ता है उस साइड, हमेशा स्लोप उधर की ओर होता है, पिछला वीडियो देखे होंगे इधर का एंगल ले लेते हैं, ये 60 तो ये भी 60 होगा, आगे बढ़ा दिए इस लाइन को, सी ए सी बी लाइन को आगे बढ़ा दिए तो ये 60 है तो उधर क्या 120 होगा, लीनियर पेयर समझ में आता है 180 होता है, 8 क्लास पास किए होंगे 60 तो 180 होगा, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा 10 120 होगा, लेकिन आपको उधर है तो माइनस लिखना पड़ेगा, है ना, और 60 का ही वैल्यू लिखना है रूट थ्री। एम ऑफ अगर आपको बी सी लिखना है तो थीटा ये देखना है,
ये थीटा 120 डिग्री थीटा होगा, इसका थीटा कितना होगा 120 डिग्री होगा, 60 का ही वैल्यू लिख रहा है रूट थ्री, लेकिन माइनस में, उधर है तो माइनस होगा, क्लियर है, ये एंगल 90 से ज़्यादा होता है तो माइनस होता है, इधर झुका हुआ है तो 90 से, अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा होता है, आप वैल्यू इसी वैल्यू का लिखिए लेकिन माइनस में लिखना पड़ता है, यही आंसर है, तीनों का स्लोप निकालने बोला था। इन क्वेश्चन नंबर 16 ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, डू यू नो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल, एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर, पता है ये सब बात, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है और एडजेसेंट साइड आर परपेंडिकुलर इन ए रेक्टेंगल। अब थ्योरी से बनाएंगे, देखो एम ऑफ ए बी, एम ऑफ बी सी दिया हुआ, बस एम ऑफ बी सी पता है 2/3, और हमको निकालना है एम ऑफ ए बी, ए बी कौन है ये वाला और BC पता है, तो एम ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्यों, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो दोनों का रेशियो में क्या उल्टा होगा, ये एक दूसरे का उल्टा होगा, क्यों, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, 3/2 कर लीजिए प्लस है इसमें तो माइनस कर लीजिए, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन एम ऑफ ए डी निकालना है, ए डी कौन सा है, ये दो, तो देखिए ए डी इज पैरेलल टू क्या है BC, तो एम ऑफ ए डी जो होगा वो एम ऑफ बी सी के बराबर होगा, बी सी कितना दिया हुआ है 2/3, यानी इसका 2/3 होगा स्लोप और इसका स्लोप होगा उल्टा 3/2 और माइनस, अंडरस्टूड, ऐसे बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, पॉइंट दिया है, तीन को पॉइंट कोलिनियर दिया हुआ है, किसी एक चीज का वैल्यू निकालना है, सपोज एक पॉइंट ए है -3, 2, दूसरा पॉइंट है 2, -1 और तीसरा पॉइंट है A4 और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, हमको A निकालना है, एकदम आराम से बनेगा, एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी, या एम ऑफ ए सी भी लिख सकते हैं, ए बी का जो स्लोप होगा वो बी सी का भी होगा और ए सी का भी होगा, बोलिए एम ऑफ ए बी -1 में 2 गया -3 और 2 में 3 गया 5, क्लियर है, एम ऑफ बी सी 4 में +1 हो जाएगा 5 और ए में 2 जाएगा माइनस, अंडरस्टूड, मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस कीजिए, 25 इज इक्वल टू -3a + 6, 3a इज इक्वल टू उधर आ गया, इधर आ गया 6 - 25, ए इज इक्वल टू -19/3, अंडरस्टूड, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, देखो आंसर इसका, तो इस तरह स्लोप के बारे में परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, कोलिनियर समझ में आ गया, इतना याद रखना चाहिए, तो आगे स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।